वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट वन के PYQ को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे कंटिन्यू चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 2020 में आपका BCOM ऑनर्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, क्लियर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं और बाकी सारा कंटेंट फोल्डर वाइज आपका अवेलेबल है। अगर आप देखते हैं तो 2022 का क्वेश्चन आपने देखा, 2022 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन और 2020 क्वेश्चन। हम 5 ईयर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर यूनिट के, क्लियर है, जिससे कि आपके एग्जाम्स के पैटर्न बिल्कुल सेम यही रहने वाला है आपके जब एग्जाम में आप जाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला डिस्कस द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कितने पूछा हुआ है आपसे, वो समझते हैं। डिस्कस द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एक, एंड सेकेंड आपसे पूछ रहा है बच्चे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड, सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन कितने हैं आपके पास में, एक एक क्वेश्चन आपका यहां हो गया, दो कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन, आपको निकालना अर्थमेटिक मीन, तो थर्ड क्वेश्चन यहां हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, चार क्वेश्चन होंगे आपके, एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये 5 क्वेश्चन हो गए, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि आपको देखने में ये एक क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें 5 चीजें आपसे पूछी गई हैं। अब 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि अगर आप एक भी कैलकुलेट कर रहे हैं इनमें से कोई भी तो 3 मार्क्स आपको मिल रहा है। तो 5 अटेम्प्ट करेंगे तो 15 मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें से आपको कुछ भी एक नहीं आता और आपने इसको ड्रॉप कर दिया, आप एटलीस्ट मीन तो निकाल सकते हैं ना। तो आप मीन निकाला, 3 मार्क्स आपके उसके हो गए, रिलेशनशिप तो बता सकते हैं ना, 3 नंबर उसके 6 नंबर हो गए। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ही ड्रॉप नहीं कर देना अगर आपको एक चीज नहीं आती है तो, क्लियर है। यही तो है PYQ डिस्कस करने का फायदा, आपको पता है एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैं आपको 5 चीजें सॉल्व करके दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन ये डिस्कस कर रहे हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन, क्लियर है। साफ साफ लिख देते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। ये पेन लेते हैं, इसकी नेटिंग अच्छी है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, ठीक है बच्चे। तो प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट। बच्चे देखिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई डेटा ले लो आप, डेटा एक एक्स डेटा ले लेते हैं, लाइक 5, 10, 15, 20, 25। अब आपने एक ऐसा डेटा लिया जिसमें इक्वल गैप है, तो आप इसका आप मीन कैलकुलेट करेंगे और डेटा और मीन के बीच में अगर आप डिफरेंसेस मींस डेविएशन देखेंगे तो उस डेविएशन का सम ऑलवेज 0 होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा देखिएगा, अगर अगर आप इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज है तो समीशन एक्स करना है आपने, तो समीशन एक्स आप अगर करते हैं तो आपके पास में 75 इसका सम आ गया। अगर आप इसका मीन निकालते हैं तो समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एंड समीशन ऑफ एक्स मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स 75 एंड डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व करेंगे तो 15 आपका आ गया, क्लियर है बच्चे। अब आप क्या देख रहे हैं, आप यहां पर यह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका जो एक्चुअल डेटा है मीन क्या है, मीन 15 है। ये बता रहा है कि जो 5 डेटा है अप्रोक्सीमेट वो 15 के आसपास है। मीन 15 का मतलब होता है कि लगभग लगभग इस ग्रुप का ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस 15 का है। या आप मार्क्स ले लीजिए कि एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, 10 है, 15 है, 20 एंड 25 है, तो उन्होंने एवरेज मार्क्स अगर हम देखें तो 15 के आसपास ये ग्रुप है, तो ये इसका मीन हो गया। लेकिन मीन तो एक तरीके से एक एस्टिमेशन देता है कि मेरा ग्रुप है, ये बेसिकली डेटा इसका किसके नियर बाय है,
वो मीन का काम है, बट एक्चुअल डेटा तो डिफरेंट होगा ना मीन से। जैसे आप देख रहे हैं आपके पास में एक्चुअल डेटा ये रहा जो कि मीन से डिफरेंट है, तो मैं ये देख रहा हूं कि जो मेरा एक्चुअल डेटा है, एक सेकेंड होल्ड करें, हेलो। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि आपका मीन में से, अगर आप डेटा में से, अगर आप मीन को माइनस में, एक ही कलर में करता हूँ ताकि अगली चीज़ें डिफरेंट कलर में करूँगा, अगर आप डेटा में से उसका मीन सेपरेट करेंगे, बेटा मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप पी वाई क्यू पढ़ रहे हो, पी वाई क्यू में स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आएगा, डेविएशन आएगा, ये सारी टर्म्स कैसे क्लियर होंगे, मैंने एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में बताई हुई है, आप अपने फोल्डर में जाके देखिए, आप प्लीज़ अपने फोल्डर में जाके देखें, नहीं तो मैं एक क्लास नेक्स्ट क्लास लूँगा इससे मैं समझा दूंगा कंटेंट में कैसे देखना है आपको, अच्छे से फोल्डर मैनेज है, यूनिट वन पूरी तरीके से कंप्लीट है, वीडियो आपको सब कुछ मिला हुआ है, उसका पी वाई क्यू डिस्कस कर रहा हूँ, यूनिट टू भी कंप्लीट है उसका पी वाई क्यू डिस्कस करूँगा, वो जरूरी है, कोर्स तो आपने कवर करना है, मेरा काम है वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना, जो कि मैंने प्रोवाइड करवा दिया है लाइव क्लासेस में आकर के, मैं आपको पी वाई क्यू, क्योंकि पी वाई क्यू ही आप देख लो कितने सारे, वो जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है कंटेंट के अंदर, वही चीज़ मैं रिपीट मारूंगा तो पी वाई क्यू आप कब करेंगे फिर, तो इसलिए वो चीज़ें मिल गई हैं, उसमें कोई डाउट है कुछ भी है तो वो आप जरूर पूछिए, आप व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, मैसेज कीजिए, डाउट के लिए मैं आपके साथ में मान के चलिए एज अ होम ट्यूशन, जब भी करेंगे मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद आप, 8 से 9 के बीच में आप कॉल करें। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x माइनस, इस पर आप माइनस करते हैं तो बेसिकली आपके पास में क्या डिफरेंस आता है, अगर आप देखें तो 15 अगर आप माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 एंड माइनस 5 0 5 15 माइनस करेंगे आप तो आपके पास में 10। अब इसका सम करेंगे, समीशन ऑफ किसका, x माइनस x बार, मतलब कि डेविएशन फ्रॉम मीन, समीशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये आपका क्या है, इसको कहते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है फर्स्ट में कि अगर आप किसी डेटा में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो डेविएशन आएगा उसका सम आपका ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कुछ भी बताना है आपको मैथमेटिकल में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, पॉइंट नंबर टू, आपके पास में एक ये भी ऑप्शन है कि इसमें सेम डेटा ले रहा हूँ, लाइक एक्स फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ पर्सन 10 है और इसका एवरेज अपना, इस ग्रुप का एवरेज आपका जो है 15 है। एक दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर की नंबर ऑफ पर्सन लाइक 20 है एंड इसका अपना एवरेज है 25। तो दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है जिसमें कि 10 लोग हैं और उनका अपना एवरेज 15 है, एक दूसरा ग्रुप है जिसमें कि 20 लोग हैं उनका एवरेज 25 है। मैंने क्या करा, दोनों ग्रुप को मैंने कंबाइंड कर दिया, एक साथ बिठा दिया, अब मुझे पूरे के पूरे ग्रुप का मुझे मीन चाहिए, तो मुझे पूरे ग्रुप का मीन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन।
कंबाइंड मीन हमारे पास में क्या होगा, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली 10 लोगों का एवरेज 15 है, एवरेज मीन सबके पास से 15 15 है, तो इन 10 का टोटल लेंगे, क्योंकि अगर हम मीन निकाल रहे हैं जिस ग्रुप का, तो उस ग्रुप का टोटल चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, उससे हम डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। तो इस ग्रुप का टोटल कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट ग्रुप का टोटल निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे हम, तो इसे कहते हैं कंबाइंड मीन फर्स्ट और दोनों ग्रुप का। कैसे, एन वन ऑब्जर्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसके मीन से, तो फर्स्ट ग्रुप का टोटल आ जाएगा। सिमिलरली एन टू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे से, तो इसका टोटल आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है बच्चे? तो कंबाइंड मीन हम निकालेंगे, तो हमारे पास में एन वन कितना है 10, एक्स वन कितना हमारे पास है 15, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको ऐसा कुछ खास, 20 एंड 25 एंड आप डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे एन प्लस, आपके पास में 10 प्लस 20 एंड आपके पास में मीन आप निकाल दें दोनों का, तो आपके पास में 150 एंड प्लस 30, सॉल्व करेंगे 650 अपॉन 30 एंड सॉल्व करेंगे आप इसको 6 3 और 2, तो 21.6 इसका क्या आ गया, एक कंबाइंड मीन आ गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप एक ये चीज़ बता सकते हैं, एक आप कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बता सकते हैं, कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आपको बतानी है। क्लियर है बच्चे? तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में ये कुछ चीज़ें आप जो हैं ईजिली आप एक्सप्लेन हो सकता है। अब देखिए एक चीज क्या कहता है ये, थर्ड के लिए सेम एग्जांपल में, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर सम of the square sum of the square of the deviation from mean is always minimum इसका क्या मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ आपको। ये हमारे पास में एक डेटा है, वही डेटा ले लेते हैं 5 10 15 20 25। अब मेरे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, सबसे पहले मुझे एक स्क्वायर का सम करना है जो कि डेविएशन हो मीन से, तो सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे आप, तो एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एंड एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स 75 अपॉन एन 5 एंड मीन इक्वल्स टू 15। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अलग अलग केस लेता हूँ कि एक्स में से इसके मीन को मैं सब डेविएशन ले लेता हूँ, डेटा में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना या डेटा में से किसी भी चीज़ को माइनस कर देना जो रिजल्ट आता है वो डेविएशन कहलाता है। मीन में से मीन को माइनस कर रहा हूँ तो फ्रॉम मीन आ गया ये मेरे पास में, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आया, माइनस 10 माइनस 5 0 5 एंड 10। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन का स्क्वायर करना है मुझे, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में आ गया ये 100 25 0 एंड 25 एंड 100। क्लियर है? अब यहां पे सॉल्व करेंगे आप यहां पे, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे सॉल्व करेंगे, पांच पांच दस, एक और दो तीन, तीन और दो पांच, एक और ये एक हमारे पास पे हो गया दो। क्लियर है? तो कितना है, 250 आया। तो आपका ये क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन। तो स्क्वायर का सम करा जो कि डेविएशन है फ्रॉम मीन से, ये मिनिमम होता है। बोलोगे सर कैसे हम यकीन कर लें कि मिनिमम होता है, कहीं किसी और से डेविएशन लेके देख लेते हैं, एक बिलो द मीन ले लेते हैं डेविएशन। मैं क्या करता हूँ, बिलो द मीन, मीन क्या मेरा 15 है, तो मैं कोई और ले लेता हूँ, 5 से डेविएशन ले लेता हूँ। एक्स माइनस एक कोई नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, इसमें से अज्यूम कर लो आप लाइक 5 या फिर आप 10 ले लो, वो आपके ऊपर है। लीजिए 10 ले लिया, ठीक है। जरा इस काम करते हैं, डेविएशन लेते हैं, तो कितना जाएगा, माइनस 5 0 5 10 लिया ना, 10 एंड 15। अभी जरा इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, एक्स माइनस 10 का स्क्वायर डेटा में से, तो ये मेरे पास पे 25 0 25 100 225, तो ये मेरे पास 150 और 200, 350 375 आ गया मुझे इस पर। उसका समीशन ऑफ एक्स माइनस, आपके पास में एक ए था जो कि ए क्या है, ये बिलो द ए क्या है, यहाँ पर बिलो द मीन है। तो देख रहे हैं छोटा कौन आया, ये छोटा ही छोटा है, तो ये छोटा है आपका। क्लियर है बच्चे? चलिए अगर आप यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, आप अबव द मीन लेके देखो, एक्स में से एक डेटा माइनस करो अबव द मीन, लाइक 20 ए, ए अबव द मीन क्या है 20 है, 15 तो मीन ही है आपका, तो 20 माइनस करेंगे डेटा में से, तो माइनस 50 माइनस 10 माइनस 5 0 एंड 20 माइनस करेंगे तो 5। स्क्वायर करेंगे अगर आप इसका, एक्स माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 225 100 25 0 एंड 25, तो 150 एंड 375 ये भी आ रहा है आपका। देख लेते हैं, ज़्यादा आना चाहिए, तो 15 225 जिसका 100 325, तो ये आ गया 225 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 25, हाँ 375 ये भी आ गया। तो आपका ये लिस्ट है ना आपके पास में, अगर आप मीन से डेविएशन लेते हो तो लिस्ट आएगा। अगर आप 5 करके देख लो, चलो कुछ और करके देखते हैं, अब मीन में 15 कर ले, 15 है ना हमारा मीन, क्या था हमारा मीन यहाँ पर, तो 20 25 लेके देख लीजिए आप, अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से माइनस 20, 25 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0, इसका स्क्वायर करेंगे आप, x माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 400, 225 एंड 100 एंड 25 एंड 0, सॉल्व करेंगे 6 7 750। क्लियर है बच्चे? तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर आप मीन से डेविएशन लेंगे तो वो लीस्ट होता है। तो मैंने बताया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज मिनिमम। अगर आप मीन से लेंगे तो ये मिनिमम होगा, इसके अलावा मीन से अबव नंबर से कोई डेविएशन ले रहे हैं या बिलो से ले रहे हैं, ये ऑलवेज इससे ग्रेटर ही रहेगा। तो ये मैथमेटिकल आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, पूछ रहा था कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो आप ये तीन चीज़ें डिस्कस आप कर दें कि एक तो डेविएशन का सम ऑलवेज जीरो होगा, एंड सेकेंड वन कंबाइंड मीन का अपना एक फॉर्मूला बता देंगे कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड वन ये आप तीन बातें बता सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया, 3 मार्क्स मिलेगा आपको इतना कुछ करने का। आप नेक्स्ट टेस्ट का आपके आपके पास क्या बताना है आपको, सेकंड में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन मोड, तो सेकंड का आपको आंसर देना है। ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, असेसमेंट में भी आएगा, रिलेशनशिप ये कौन सा है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड का आंसर रिलेशनशिप। ये तो लिख ही सकते थे आप, पूरा पेपर नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो रिलेशनशिप
लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, बिटवीन मीन मीडियन मोड, क्लियर है? अब यहां पर आप देखें बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो आपके पास में क्या है, मोड इक्वल्स टू, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज करनी है आपको, क्या ये लिख देना है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस 3 नंबर तो आपको इसी के मिल गए, लो। खैर मार्क्स जो है डेबिट होंगे, जरूरी नहीं 3-3 नंबर के सारे हैं, वो पहला वाला क्वेश्चन बड़ा था तो वो आपका हो सकता है कि आपका 5 नंबर का हो, या वो 4 नंबर का हो, 2 नंबर का ये हो, तो ऐसे मार्क्स डिवाइड होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी में आपका, थर्ड, कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन, इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, अब आपका ये यूज होगा जो आपको दिया हुआ है। अब देखिए सीरीज कौन सी है, तो बच्चे सीरीज आपके पास में इनक्लूसिव सीरीज है, एक कंटिन्यूस सीरीज है ये, क्योंकि आपके पास में डेटा एब्सोल्यूट की बनी है, डेटा एक रेंज में है। सेकंड कि ये आपका 134 पे एंड हो रहा है, तो बट नेक्स्ट स्टार्ट वहां से नहीं हो रहा, 135 से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्लूसिव सीरीज है। और मैंने मीन के क्लासेस देखेंगे अगर आप, उसमें मैंने कंटिन्यूस सीरीज का इंट्रोडक्शन भी दिया, बताया भी है कि आपका कंटिन्यूस सीरीज के बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मिड वैल्यू, लेस देन, मोर देन। और मैंने आपको ये बात कहा कि कभी भी आपको मीन कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस सीरीज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो सीरीज हो कंटिन्यूस सीरीज का वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, बट यहां पर ऐसा है नहीं, आपके पास में इंक्लूसिव है, तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, लेस देन को एक्सक्लूसिव में, मोर देन को एक्सक्लूसिव में, तो इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, क्लासेस वो हो चुकी हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसको, आप सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करेंगे, एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करने के बाद आपको यहां पर आपको एक तो चाहिए होगा और आपको क्या निकालना है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, अंडर रूट सिग्मा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से करो, डेट मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से बता देता हूं मैं, अंडर रूट सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ यू बाय एन का होल स्क्वायर इन टू आई, जब बताया ना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन भी निकालो बेटर रहेगा। पहले हम मीन निकाल लेते हैं भैया, पहले इसका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे फिर। देखो बच्चे सब सारी चीज़ें सीख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सेम चीज़ें पूछ रहा है, बट सिर्फ यही इस पर डिपेंड नहीं रहना, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वार्टाइल्स हैं, परसेंटाइल हैं, वो सारी चीज़ें भी करनी है, जो कि आप आगे PYQ पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये कवर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे आप बच्चे, यहाँ पर अपने डेटा को एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे करेंगे आप इन, इसमें 134 अगर आप 135, तो गैप कितने का है, 135 एंड 134, गैप आपका 1 का है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो 0.5, अब सब में 0.5 माइनस करोगे, तो 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 129.5 एंड 134.5, सब माइनस एंड अपर में प्लस करना है। अब आप देखिए गैप कितने का आ रहा है आपका, 5 का गैप आ रहा है ना, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है आपके पास में, आप इसको एडिट लिखो 134.5 एंड 5 का गैप दे दो 139.5, 139.5 और आपके पास में 5 का गैप दे दो कि 144.5, क्लियर है? इसको कंप्लीट करो बच्चे एक बार करो, तो 144.5 का देंगे तो 149.5 एंड 149.5 5 का गैप दे देंगे तो 154.5 एंड 154.5
59.5 और 159.5, 5 का गैप दे देंगे तो 164.5 एंड 164.5, 5 का 169.5, देख लो 39 पे ख़त्म हुआ, पाँच का गैप आया, क्लियर है? फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, कभी भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए लिखने की जरूरत नहीं फ्रीक्वेंसी को अलग से। अब आपके पास में क्या है, अब आप इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस सीरीज आप में आने के बाद फिर आप इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू बहुत आसान है, कुछ ऐसा इसमें चैलेंज नहीं है। क्या करेंगे, आप दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे मिड वैल्यू के लिए। 129.5 प्लस 134.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 132। अब बार बार मत निकालना, 5 का गैप है ना, तो सब में 5 का ही गैप चलेगा आपका। 137, 142, 147, 152, 157, 162, 167, क्लियर है? ये समझ में आया आपको? तो ये मेरे पास पे क्या आ गया, M आ गया। अब M के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें D ले सकता हूँ, D डैश, या फिर D डैश ले लो आप, सीधी सी बात है। इसको U कहते हैं बेसिकली हम। क्या, कैसे आता है ये, M माइनस कोई भी नंबर अज्यूम करके डिवाइड बाय C कर दो। तो इसमें से कौन सा नंबर आप माइनस करना चाहेंगे आपके ऊपर है। मिड टर्म लेते हैं तो ऊपर के 4 टर्म आ गए, नीचे 3 टर्म आ गए, कोई भी नंबर ले लें आप। चलिए ये ले लिया आपने 152। स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ मैं, मीन निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो मैं 152 माइनस कर रहा हूँ 132 में से, 132 माइनस 152 माइनस 20 137 माइनस 152 माइनस 15 142 माइनस 152 माइनस 10 माइनस 5 0, क्लियर है? और इसके बाद सॉल्व करेंगे 5 10 15, ये आ गया। अब इसको डिवाइड बाय सी भी करना है, सी क्या किससे भाग हो रहा है, सारा 5 से हो रहा है तो 5 से डिवाइड भी कर दो, डिवाइड बाय 5, ये 5 क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सबको डिवाइड बाय 5 कर दें, सबको डिवाइड बाय 5 कर दें, ये जो बड़े बड़े डेटा हैं छोटे हो जाते हैं। ये आपने सीख रखा है स्टेप डिवीजन मेथड। सॉल्व करेंगे आप माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल माइनस 4, तो समीशन क्या है, समीशन ऑफ यू आए। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चे, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मीन को ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से, क्योंकि जब भी आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो आप क्या करें, आप इसी मेथड से निकालें। आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बहुत सारे कॉलम आपके पास में ऑलरेडी होंगे, तो बार बार कैलकुलेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे बच्चे, एफ यू निकालेंगे यहां पर, एफ यू लास्ट क्लास में करा था शायद, मे बी हमने, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट मार देता है। अब सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, ठीक है ना? यहां पर हमारे पास में आ गया एफ यू, तो एफ यू में फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 और ये 4, तो माइनस 12, 12 और 3 माइनस 36, 21 और 2 माइनस 42, 28 और 1 माइनस 28, 19 और 0 12 और 1 12, 12 ठीक है। ये नीचे वाला कॉलम नहीं है हमारा, ये गलती से लिख दिया मैंने, इसकी कोई नीड नहीं है। 12 और 1 12, 5 और 2 10,
ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो अब आपके पास में क्या आ गया, एफ यू 10 आ गया। अब मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? मीन निकालने के लिए आपके पास में फार्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस जब स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, यही है ना। तो एक्स बार ए क्या लिया आपने, क्या सब्ट्रैक्ट करा सब में से, सब में से आपने सब्ट्रैक्ट करा है यहाँ पे 152, तो 152 प्लस समीशन एफ यू। तो समीशन एफ यू क्या आएगा आपके पास में वो देख लेते हैं। तो आपके पास में 12 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 28 एंड माइनस 12 माइनस 10 96 माइनस समीशन ऑफ एफ यू इक्वल्स टू माइनस 96। तो माइनस 96 अपॉन समीशन ऑफ एफ 100 इंटू आई 5, गैप 5-5 का है ना इसमें, ठीक है बच्चे? नहीं मैं करता नहीं इंटू आई, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू 152 माइनस 96 अपॉन 100 इंटू 5। तो सॉल्व करेंगे आप, 96 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 152 माइनस 4.8 माइनस 152, तो 147.2 आपका क्या आ गया बच्चे, मीन आ गया। क्लियर है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय एन का होल स्क्वायर और इनटू आई। अब आपके पास में देखिएगा एफ यू का तो सम आपके पास में है ही, एफ है, अब बस आप क्या निकालें यहाँ पर एफ यू स्क्वायर। अब आप एफ यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो एफ यू मल्टीप्लाई बाय यू, तो आप करेंगे तो 48, क्लियर है बच्चे? एफ यू मल्टीप्लाई बाय यू दिस वन, तो एफ यू स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है? तो आपके 90, 18, 108, ये आपके पास में 84, ये 28, सारे पॉजिटिव हो गए, यू है ना आपके पास में, इसके बाद ये 0 एंड ये 12 एंड ये 20। समीशन कर देंगे इसका 48 प्लस 108 प्लस 84, रिपीट करता हूँ 48 प्लस 108 प्लस 84 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 20, तो 300 आया आपका यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो जो बताया मैंने, अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर, समीशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय इसका स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या रह गया हमारा, बस लास्ट पॉइंट रह गया कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दूसरे बैच जो है बच्चे वेट कर रहा है।